सब्सक्राइब करें हमारे स्टेट मीडिया चैनल को, देखिए देश विदेश की बड़ी खबरें। डीएम ने जारी की गाइडलाइंस, सार्वजनिक पार्क गंगा घाट सहित कई स्थानों पर शाम 4 बजे के बाद आवागमन पर रोक। वाराणसी में कोरोना से संक्रमित व्यक्तियों की संख्या प्रतिदिन 300 से अधिक हो रही थी, साथ ही जनपद में कोरोना से संक्रमित कुल व्यक्तियों की संख्या 1000 से ऊपर हो गई है। डीएम ने बताया कि शासनादेश में दिए गए प्रतिबंधों के अलावा भी अलग से कुछ प्रतिबंध लगाए जाना आवश्यक है ताकि कोरोना के संक्रमण को नियंत्रित किया जा सके। जनपद में कक्षा 10 तक के बच्चों एवं 60 वर्ष से अधिक आयु के जो लोग टीवी, हृदय से संबंधित रोग या अन्य किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं या जो पूर्व में कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं, ऐसे लोगों का घर से बाहर किसी आकस्मिक परिस्थिति में बिना निकलना प्रतिबंधित किया जाता है। रात्रिकालीन कर्फ्यू 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक लागू रहेगा। बिना किसी आकस्मिक कारण के घर से बाहर निकलने पर महामारी अधिनियम व राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। ओमिक्रॉन का खतरा जो बढ़ा है उसमें प्रदेश की गाइडलाइन थी कि 1000 से ज़्यादा यदि एक्टिव केस किसी जनपद में होते हैं तो उनमें रेस्ट्रिक्शन थोड़े स्ट्रिक्टली लागू किए जाएं और थोड़े लोकल प्रतिबंध भी लगाए जाएं। उसी के अंतर्गत आज से कुछ प्रतिबंध वाराणसी में लोकल लगाए गए हैं, क्योंकि प्रतिदिन केस हमारे लगभग 370 से 390 के बीच में आ रहे हैं और एक्टिव केसेस 1600 से ज़्यादा हो गए हैं। उनको रोकने के लिए और ऐसे लोगों को संक्रमित होने से रोकने के लिए जिनके अनावश्यक आवश्यकता नहीं है घर से बाहर, रेस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं। उनमें विद्यार्थी वर्ग के लोग हैं, 60 साल से ऊपर के बुजुर्ग हैं, जो बिना किसी इमरजेंसी के घर के बाहर ना निकले उनको एडवाइस किया गया है। बहुत अत्यंत आवश्यक कार्य हो तभी घर से बाहर निकलें, नहीं तो बाहर ना निकलें, संक्रमण से बचें। साथ ही ऐसी जगह जहाँ पर लोग आवश्यक कार्य से नहीं जाते हैं, जैसे 4 बजे के बाद विभिन्न प्रकार के पार्क हैं, खेल के स्टेडियम हैं, जो हमारे घाट हैं, गंगा के पार का एरिया है, उन जगहों पर किसी आवश्यक कार्य से जाना नहीं होता लोगों का 4 बजे के बाद, तो वो रिस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं। मॉर्निंग वॉक जो करते हैं सीरियस, जो हेल्थ अवेयरनेस के लोग हैं, उनके लिए जाना स्वतंत्र है, लेकिन शाम को ये पाबंदियां लगाई गई हैं। साथ ही विभिन्न प्रकार की दुकानें, मार्केट, ऑफिसेज, उनमें कोविड हेल्प डेस्क बना के मास्क की प्रतिबंधिता लागू करने पर फोकस किया गया है। जो वायलेट करेगा 1 हफ्ते ऑब्जर्व करने के बाद उन पर कार्रवाई करने की इसमें निर्देश दिए गए हैं। ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा में 4 सवारियाँ बैठे हैं, सभी मास्क लगा के बैठे हैं, ज़्यादा लोग ना हों, इनके बारे में मैसेजिंग की गई है और अवेयरनेस ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएट की जाए, इसके ऊपर फोकस किया गया। जो यात्री बाहर से आ रहे हैं साहब, वो रात में अपने टेम्पो पर आ सकते हैं कि नहीं आ सकते? रात्रि में 10 बजे से लेकर 6 बजे तक पूरे प्रदेश में नाइट कर्फ्यू है, लेकिन नाइट कर्फ्यू में बहुत पहले से स्टेट की गाइडलाइन है कि यात्रियों को परेशान नहीं किया जाता है। जो मिनिमम पॉसिबल रात को ट्रेन्स आती हैं, बसेज आती हैं, फ्लाइट आती हैं, उनके यात्री भी आएँ, उनकी टैक्सी भी चले, उन पर कोई प्रतिबंध नहीं है। और जैसा मैंने बताया कि प्रतिबंध जो लगाए भी गए हैं उसमें इमरजेंसी आकस्मिकता का प्रावधान बाकायदा किया गया है, तो चाहे 10वीं क्लास से नीचे के बच्चे हों, चाहे 60 साल से ऊपर के बुजुर्ग हों या यात्री हों, उन सबको प्रतिबंध से छूट है। जो बाहर के यात्री आते हैं उनके लिए रेलवे को, बस स्टैंड्स पे और एयरपोर्ट पे आज एक विशेष निर्देश भी जारी किए गए हैं कि लाइन लगा के उनकी एंट्री एग्जिट सुनिश्चित करवाएं, वहाँ पे कोविड हेल्प डेस्क खोलें, कुर्सियाँ दूर दूर लगा के उनको अच्छे से बिठवाएं, भीड़ भाड़ ना हो, जो टिकट काउंटर हैं उन पे भी दूरी मेंटेन रखें, ये निर्देश आज शामिल किए गए हैं। और इसके अलावा जो आप पूछ रहे हैं कि जो हमारे धार्मिक स्थल हैं, उन धार्मिक स्थलों के बारे में केवल एडवाइजरी जारी की है, किसी प्रकार का प्रतिबंध अभी नहीं लगाया गया है। एडवाइजरी जारी की गई कि पीक आवर्स जब उनके होते हैं वो खुद डिसाइड करेंगे, सुबह, दोपहर, शाम, कब उनके यहाँ ज़्यादा भीड़ रहती है। विधानसभा के सामान्य निर्वाचन को लेके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो आचार संहिता लागू हुई है उसके अंतर्गत अधिकतर लोगों पे ये गाइडलाइन लागू हो गई है। सबसे पहले तो राजनीतिक दल हैं या प्रोस्पेक्टिव जो कैंडिडेट्स हैं, इसके बाद जितने भी सरकारी अधिकारी, कर्मचारी, विभाग हैं, और इसके अलावा जो भी इलेक्शन मशीनरी से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, चाहे वो फोर्सेज के लोग हों, चाहे अन्य प्रकार से सर्विस प्रोवाइडर्स हों, जैसे प्रिंटिंग प्रेस है, मोबाइल फ़ोन ऑपरेटर्स हैं, मीडिया है या प्रिंटर पब्लिशर हैं, इन सब के ऊपर गाइडलाइन लागू हो गई हैं। उन्हीं गाइडलाइंस को बताने का कार्य आज अलग अलग बैठकें करके उनको क्लियर किया जा रहा है। जो फॉर्मेट्स प्रिस्क्राइब्ड हैं वो भी दिए जा रहे हैं। इनको लागू कराने का कार्य मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की जो टीम्स बनाई जाती हैं उसके माध्यम से चालू भी हो गया है। हमारे फ्लाइंग स्क्वाड टीम, हमारे स्टैटिक सर्विलांस टीम, ये सारी कार्यकारिणी प्रारंभ कर चुकी हैं। इसी के साथ राजनीतिक प्रचार सामग्री हटाने का कार्य जो 72 घंटे में करना होता है, उसको हर विधानसभा की 5 टीमें बना के 40 टीमों के माध्यम से 8 तारीख को ही चालू करा दिया गया था। 48 घंटे आज हो जाएंगे, लगभग सारी प्रचार सामग्री आज हट जाएंगी।
जो भी बची है वो कल तक हटाई जानी है, वो कार्य भी चालू हो गया है। और इसी के साथ विभिन्न प्रकार के कार्य हैं, जैसे पोलिंग स्टेशन के हैं, ईवीएम के हैं, वोटर लिस्ट के हैं, ये सारे कार्य भी चालू कर दिए गए हैं। कुल मिला के सारी तैयारियाँ वाराणसी में प्रारंभ कर दी गई हैं।